नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन तोमर का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों की समस्याओं को लेकर एसएसपी मुजफ्फरनगर से मिला, जिसमें अहम मुद्दा छपा थाना क्षेत्र के गांव बसेड़ा का है, जहां मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसमें पुलिस मौन बनी हुई है। फुरकाजी थाना, मंसूरपुर थाना, भोपा थाना, ककरोली थाने की किसानों की मुख्य समस्याओं पर चर्चा हुई। जैसे जनपद के पुलिस थानों में क्रॉस केस का बड़े स्तर पर खेल चल रहा है। चेकिंग के नाम पर किसानों से अवैध उगाही की जा रही है और पुलिस द्वारा किसानों में आमजन के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। डायल 112 द्वारा पीड़ित की सूचनाओं पर दोनों पक्षों को गाड़ी में बैठाकर पैसे लेकर फैसले का दबाव बनाया जाता है। ऐसे ही पुलिस विभाग द्वारा अनेक समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन एसएसपी मुजफ्फरनगर को सौंपा गया, जहां एसएसपी ने सभी समस्याओं का समाधान करने का मजबूत आश्वासन दिया। आज माननीय कप्तान साहब से भारतीय किसान यूनियन तोमर का 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला। क्षेत्र में हो रही अनेक समस्याओं को लेकर, जैसे क्रॉस केस का खेल जोरों शोरों से खेला जा रहा है, पुलिस द्वारा कई मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जगह जगह पर चेकिंग के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है और उनको छोड़ा जा रहा है। ऐसी अनेक समस्याओं, कई सारी थानों की समस्याओं को लेकर 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल कप्तान साहब से मिला। मुख्य मांगे क्या क्या रही इसमें आपकी? मुख्य मांगे जैसे कि पुरकाजी में कई सारे मुकदमे दर्ज हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि 5 महीने पहले एक कोल्लू के यहाँ कोल्लू में चोरी हो गई थी, उनका मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ। पुरकाजी थाने में एक दूसरा मुकदमा दर्ज है, एक जेई साहब पर मारपीट हो गई थी, उनका आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। छपार थाने में कई सारे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है, वह मुकदमे दर्ज होकर ही रह गए, उन पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या आश्वासन मिला आपका सचिव साहब से? कप्तान साहब ने हमारे सामने ही थाना अध्यक्ष को फोन लगाया और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होने की हमें ठोस आश्वासन दिया गया। अगर जल्द से जल्द इन मुख्य मांगों में अगर कोई पूर्णतः संतोषजनक ठोस कार्य नहीं होता, तो संगठन आगे फिर दोबारा हाईवे जाम करने का काम करेगा।